हैं अजय भाई जिन्होंने भोजीपुरा लालकुआ रेलखंड पर पड़ने वाले किच्छा रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। अजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उस संस्था का नाम बताएंगे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इस रूट पर कर रही है। इसके अलावा रामपुर लालकुआ काठगोदाम रूट पर भी बताएंगे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कौन सी कंपनी कर रही है। काशीपुर लालकुआ मुरादाबाद काशीपुर रामनगर रूट पर भी एक ही कंपनी काम कर रही है। तो इस रूट पर जो कंपनी काम कर रही है इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके अलावा स्टेशन पर देख सकते हैं लंबे लंबे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन कहीं भी टीन शेड नहीं लगा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक छोटा सा लगा हुआ है। फुट ओवर ब्रिज की भी यहाँ कमी है, तो इस हिसाब से यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज भी होना चाहिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी टीन शेड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सभी ट्रेनों का ठहराव इस रेलवे स्टेशन पर है। जो इस रूट से यहाँ से कोई भी ट्रेन गुजरती है तो यहाँ पर सभी ट्रेनों का ठहराव किया गया है। सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भी है, एक्सप्रेस ट्रेन भी है। जब भी कभी यहाँ से कोई ट्रेन आती है तो यात्रियों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है, आय भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर स्टेशन पर यात्री सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, किच्छा रेलवे स्टेशन से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये लालकुआ की दिशा हो गई प्लेटफॉर्म नंबर 1। 3 ट्रैक हैं यहाँ पर, सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी टीन शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी तेज़ रफ्तार से चल रहा है भोजीपुरा लालकुआ रेलखंड पर। ये भोजीपुरा बहेड़ी की दिशा, इसके अलावा किच्छा खटीमा रेल लाइन भी यहाँ से बननी है, उसके बारे में भी जैसे जानकारी मिलेगी अपडेट दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अपडेट नए जानकारी के साथ।